So in this video we shall discuss about the worksheet 4. Here question number 2 and question number 4, this is the homework for you. In previous video we have given 2 questions as a homework. Now in this worksheet let us solve some more questions, that is taking question number 3. Find the greatest number of 6 digits which is a perfect square, and find the square root of this number. Find the square root of this number. इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट. सो इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टेकन 2 क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट नंबर शुड बी एडेड. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट मेंशन दैट आइदर दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन और दिस इज रिलेटेड टू एडिशन. But here the concept is greatest 6 digit number. We know that greatest 6 digit number is 9,999,999. This is the greatest number. So any number of 6 digit cannot be greater than this number. इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब इससे छोटा ही होगा. जो भी होगा, अगर ये ग्रेटेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा तो जो भी नंबर होगा वो इससे छोटा होगा, और छोटा होगा इसका मतलब कि इसमें हमको कुछ ना कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर ऐड कर देंगे तो ये 7 डिजिट का हो जाएगा, राइट. सो हियर इट इज़ क्लियर नाउ कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सब्ट्रैक्शन. So first of all, like we have discussed in previous questions, solve example 9. First of all, find the square root of 9,99,999. So making pairs, so pair of, there is 3 pairs. Now first of all, 9 9 ja 81, subtracting 9 minus 1 8 and 9 minus 8 1. Now adding again 9. So this becomes 9 plus 9 equal to 18. So here write down the next pair 99. So it becomes 1899. So this is the 9 ja. So we get 189 into 9, that is 1701. Now subtracting 9 minus 1 8, 9 minus 0 9, 8 minus 7 1. Here is 198. Now again write down 99. So this it becomes this number. Okay. Now we have adding 9 because 9 ja. So again adding by 9. So 9 plus 9 18, 8 carry 1, 8 plus 1 9 1. And now once again division is going 9 ja. 9 9 ja. So this becomes 17,901 and the remainder is 1998. And dear students, we have already discussed जब क्वेश्चन में what number should be subtracted पूछेगा तो हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है इसी को माइनस करते हैं, इसमें से जो भी नंबर हमको दिया रहता है. ओके, सो इट इज क्लियर दैट कि therefore 1998 should be subtracted, this is the remainder, so this number should be subtracted from 9,99,999 to make it a perfect square. ये हमको पिछले साल एग्जाम्पल से क्लियर है कि रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर देते हैं, एंड माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा, हियर नंबर इज 9,98,001. And therefore its square root is the required quotient. जो quotient था वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमारा उससे रिलेटेड हो गया जो पूछा है कि what number should be subtracted. Okay, now one more question, question number 5. Find the least number of 6 digit which is a perfect square.
अब इस बार पिछली बार पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर, इस बार पूछा है लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट, ओके फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया एडिशन से रिलेटेड। जैसे पिछली बार ग्रेटेस्ट पूछा था तो उसमें सब्ट्रैक्शन हुआ था, जब क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछेगा तो उसमें एडिशन होगा। सो लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ दिस। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट क्वेश्चंस लाइक व्हाट नंबर शुड बी एडेड। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर दैट इज 1 लाख, 100,000, 10,000 लाख, ओके। एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा व्हाट नंबर शुड बी एडेड तो आपको यहाँ पे दो बार इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय द लॉन्ग डिवीजन। हियर आपको पता हो गया है, जैसे दो दो का ग्रुप बनाते हैं तो एक बार इसका क्वोशेंट आएगा 316, दिस इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। बट एडिशन के केस में हम आपको बोले थे कि एक बार आपको एक वहाँ पे ज़्यादा के लिए ले जाना पड़ेगा। हियर इज सिक्स, सिक्स इज मिसिंग हियर, सिक्स जा, सो नाउ ग्रेटिंग टेकिंग वन मोर दैट इज 317, सेवन सेवन जा, लास्ट टाइम हियर इन प्लेस ऑफ सिक्स टेकिंग हियर इज सेवन, एंड नाउ हियर सी दैट दिस नंबर 4389 इज ग्रेटर देन 3900। स्टूडेंट यहाँ पे देखेगा थोड़ा सा आपको गलत लगेगा, बट यही एक्चुअली प्रोसेस है इसका, कि आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा के लिए डिवाइड करना है, ज़्यादा वाले ले जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है। 489 इज़ द रिमाइंडर, माइनस 489 एक्चुअली दिस इज़ द रिमाइंडर। और जब एडिशन का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही नंबर ऐड करना होगा, जो सेकेंड टाइम में जो रिमाइंडर आता है 489, दिस नंबर शुड बी एडेड, क्योंकि लिस्ट पूछा है, दिस इज द लिस्ट नंबर, इससे छोटा अगर कर देंगे तो 5 डिजिट का हो जाएगा, इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ हमको नंबर ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इट इज़ नाउ क्लियर दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट नंबर शुड बी एडेड। सो हियर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 489, और इसी नंबर को हमको यहाँ पे ऐड करना होता है। सो वी मस्ट ऐड 489 टू 1 लाख टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,489, एंड इट्स आंसर इज स्क्वायर रूट इज 317, 317 दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। यही हमारा आंसर होगा जब एडिशन का क्वेश्चन होगा, सेकेंड क्वेश्चन, ओके। And now you can solve question number 6 of this worksheet. This is the homework for you. Find the value of this minus this. Means दोनों का अलग अलग पहले आपको square root निकालना है, दोनों number का square root अलग अलग by the long division method निकाल के, और जो आएगा उसको यहाँ पर हम लोग minus कर देंगे। So student you have to complete now worksheet 4.